हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ कॉन्सेप्ट्स। जैसे कि आज 19 सितंबर है और आप सभी लोगों को पता है कि आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क का आज फर्स्ट डे था एग्ज़ाम का, जो कि उसकी फर्स्ट शिफ्ट यहां पर कंप्लीट हो चुकी है। बहुत से स्टूडेंट ने यहां पर 39 क्वेश्चंस करे हैं मैथ्स में, और बहुत से स्टूडेंट ने यहाँ पर 40 में से 40 क्वेश्चंस करे हैं रीजनिंग में। बहुत से स्टूडेंट ने यहाँ पर 75 प्लस क्वेश्चंस करे हैं मैथ्स और रीजनिंग के मिला के। तो मैं यहाँ पर आपको एक एक चीज़ डिस्कस करूँगा कि कितने क्वेश्चंस आए हैं, क्या लेवल था, कौन कौन से टॉपिक से आए हैं। और मेरे पास यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं अर्थमेटिक के, 6 7 8 क्वेश्चंस हैं जो एज इट इज़ एग्ज़ाम में पूछे गए थे। तो आखिरी तक बने रहना, मैं आपको वो वाले क्वेश्चंस भी दिखा दूंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन आए, और फिर आप उसकी प्रैक्टिस कर लेना। अगर वो क्वेश्चन नहीं बने तो भैया कमेंट कर देना, वो उसका मैं आपको सोल्यूशन यहां पर सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है ना। अच्छा, अभी तक अगर चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जितने भी शिफ्ट्स होंगे हम सभी का एनालिसिस करेंगे। क्लियर? चलो तो देखो, ये सारे जो टॉपिक्स हैं यहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चंस बनाते हैं। ये सारे टॉपिक्स हैं रीजनिंग के, ये सारे टॉपिक्स हैं एप्टीट्यूड के, मैथ्स के, जहाँ से एग्जामिनर अपने क्वेश्चंस बनाता है। लेकिन फर्स्ट शिफ्ट में, आज की फर्स्ट शिफ्ट में कहाँ से पूछे गए हैं, जैसे कि ये मैथ्स का है, तो मैथ्स में यहाँ पर DI पूछी गई थी 10 मार्क्स की, जिसमें आपका टेबुलर DI और लाइन ग्राफ की DI थी। बहुत ईजी थी, है ना, पूरी डाटा बेस थी, क्वेश्चंस देखना था, वहां पर जो वैल्यू लिखी थी उसको पढ़ना था और ऑप्शन पर टिक कर देना था। कुछ इस प्रकार से थी टेबुलर की, ठीक है। लाइन ग्राफ में दो दिया है, उसका डिफरेंस निकालना है, उसका आंसर बताना है, इस प्रकार से थी। मिसिंग नंबर्स थे 5, है ना, ये भी मैं आप लोगों को दे दूंगा। मिसिंग नंबर मेरे पास पूरे 5ों आ चुके हैं, यहाँ पर मैंने शायद PDF नहीं डाली है, तो वह मैं उसको सेकेंड शिफ्ट वाले में दे दूंगा 5ों क्वेश्चन। क्लियर? या फिर टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक है। सिंप्लीफिकेशन के 15 क्वेश्चन आए थे। क्लियर? बहुत ईजी क्वेश्चन थे, जिसमें आपको पेन और पेपर, पेन उठाने की जरूरत नहीं थी, पेपर पर करने की जरूरत नहीं थी। ऐसे टोटल 8 से 9 क्वेश्चन थे विदाउट पेन एंड पेपर सॉल्व करने के। क्लियर? अर्थमेटिक के क्वेश्चन थे 10, जिसमें से आपका बोट एंड स्ट्रीम, ठीक है, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क और प्रॉफिट एंड लॉस से पूछा गया था। अभी मैं आपको क्वेश्चंस दे दूंगा कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे। मिक्सचर एंड एलिगेशन से पूछा गया था, ठीक है, वो अभी मैं आपको सारे क्वेश्चंस यहाँ पर दे दूंगा। CISI से पूछा गया था, अभी मैं आपको सारे क्वेश्चंस यहाँ पर दे दूंगा। क्लियर? ये रही बात हमारी किसकी, मैथ्स की। तो 10 नंबर की DI आई थी, मिसिंग नंबर 5 आए थे, बहुत ईजी थे, है ना। सिर्फ उसमें डिफरेंस निकालना था, 4 क्वेश्चन ऐसे थे कि सिर्फ उसमें डिफरेंस निकालना था और आंसर आ रहा था, बहुत ईजी था। सिंप्लीफिकेशन के 15 क्वेश्चन, 8 से 9 क्वेश्चन ऐसे थे विदाउट पेन एंड पेपर वाले। अर्थमेटिक के 10 क्वेश्चन थे। अगर मैं बात करूं आपके पजल की, तो पजल में क्या था, मंथ बेस पजल आया था, जिसमें आपके क्या थे, 3 मंथ दिए थे और 2 क्या दी थी, डेट्स दी थी, तो मंथ बेस पजल हो गई। 5 क्वेश्चन पूछे गए। सिटिंग अरेंजमेंट, एक अनसर्टेनिटी वाला जो होता है सिटिंग अरेंजमेंट, वो जिसका आंसर 22 आ रहा था। मुझे बहुत से स्टूडेंट ने कहा है कि सर उसका आंसर 22 आ रहा था, ठीक है। स्क्वायर बेस्ड था पजल, जिस सिटिंग अरेंजमेंट, जिसमें क्या था कि 8 लोग बैठे थे, जो मिडिल में बैठे हैं उन सबका फेस अंदर की ओर है, और जो कॉर्नर में बैठे हैं उन सबका फेस कहाँ पर है, आउटसाइड है, बाहर की ओर है, नॉर्थ फेसिंग वाले थे, है ना, नॉर्थ फेसिंग। मेरे ख्याल से इसमें टोटल 7 या 8 पर्सन बैठे थे, ऐसा कुछ था, ठीक है। तो बहुत ईजी थी पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट। बहुत से स्टूडेंट ने मुश्किल से मुश्किल 7 मिनट में पूरे सॉल्व कर लिए थे। क्लियर हो गया ना। उसके बाद अल्फाबेटिकल सीरीज आई थी 3 मार्क्स की, बहुत इजी थी वो भी, अल्फा न्यूमरिक सीरीज। देखो क्लर्क में ना एग्जामिनर अल्फा न्यूमरिक, PO में भले ही ना पूछे ना पूछे, लेकिन अल्फा न्यूमरिक सीरीज क्लर्क में तो पूछता ही पूछता है। क्लियर? तो यहाँ पर 5 नंबर की आपकी देखने को मिल गई अल्फा न्यूमरिक सीरीज, बहुत ईजी थी, है ना। वो नंबर बेस्ड पर थी, नहीं, अल्फाबेटिकल थी, है ना, अल्फा अल्फाबेट पर बेस्ड थी, 5 थी, बहुत ईजी थी। सिलॉगिज्म जो थे वो ओनली एंड ओनली फ्यू पर आए, है ना, तो आप सभी लोगों को पता होगा ओनली और ओनली फ्यू के क्या कंसेप्ट सिलॉग्स में। अगर नहीं है तो आज देख लो, क्योंकि नेक्स्ट शिफ्ट में वो आपको देखने को भी मिल सकता है, ओनली एंड ओनली फ्यू के आने वाले शिफ्ट्स में। क्लियर? डायरेक्शन पर बेस्ड थे 3 क्वेश्चन, ऑर्डर एंड रैंकिंग पर बेस्ड थे 4 क्वेश्चन। तो ये टोटल यहां पर हमारे हो गए 40 क्वेश्चन।
बहुत से स्टूडेंट 40 में से 40 बना के आए हैं और बहुत से स्टूडेंट ने मैथ्स में 39 बना के आए हैं। क्यों? क्योंकि एक क्वेश्चन जो था उन लोग को शायद थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो रहा होगा, है ना। तो मैंने जितने लोगों से पूछा है सब ने 39 बनाए हैं, किसी ने रीजनिंग में 40 में से 40 बनाए हैं, बहुत से स्टूडेंट ने 70+ 75+ यहाँ पर क्वेश्चन अटैम्प्ट करे हैं विथ 100% एक्यूरेसी। क्लियर हो गया। अब मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि वो मैथ्स के क्वेश्चन क्या थे। ये देखो यहाँ पर आपका एज पर बेस्ड क्वेश्चन था कि इफ द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ पी एंड क्यू इज 4 ईयर एंड द रेशियो बिटवीन द एज ऑफ पी आफ्टर 2 ईयर इज टू प्रेजेंट एज ऑफ क्यू इज 5:4 देन फाइंड द एज ऑफ क्यू आफ्टर 2 ईयर्स। बहुत ईजी क्वेश्चन है। इफ ए एंड बी स्पेंड 30% ऑफ देयर इनकम टूगेदर विच इज इक्वल टू 26,400 एंड इनकम ऑफ ए इज 20%, है ना। तो अगर ये 20% है मतलब 120:100, तो इसका आप रेशियो निकाल लेना, यहाँ से आप निकाल सकते हो। क्लियर हो गया ना। यहाँ पर क्या है, इफ द सम वॉज इन्वेस्टेड, अच्छा इफ द सेम सम वॉज इन्वेस्टेड एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 40 एंड टी प्लस 4 ईयर देन द रेशियो ऑफ देयर इंटरेस्ट बिकम 1:2 देन फाइंड टी। बहुत इजी क्वेश्चन है, ये भी आप लोग आराम से इसको कर सकते हैं। क्लियर हो गया। यहाँ पर क्या है, 12 मैन कैन कंप्लीट ए वर्क इन 64 डेज देन फाइंड हाउ मैनी वुमेन विल रिक्वायर टू कंप्लीट 2/3 ऑफ द वर्क इन 16 डेज। अरे ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है ना। MDH वाला फॉर्मूला लगेगा, 12 × 64, ठीक है, × 3/2/16 आंसर आ जाएगा। क्लियर। मैंने आपको यहीं बैठे बैठे सोल्यूशन बता दिया, मतलब विदाउट पेन एंड पेपर सॉल्व हो रहा है। ए ट्रेन विद स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर क्रॉस ए पोल इन 30 सेकेंड देन फाइंड द टाइम टेकन बाय सेम ट्रेन टू क्रॉस द पोल विद 54 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर भैया आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पर आप इसको रेशियो बना के भी सॉल्व कर सकते हो, है ना, क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस तो आपकी सेम है, तो आप रेशियो बना के सॉल्व कर सकते हो। स्पीड क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम पे। क्लियर हो गया ना। देन इफ द अप स्ट्रीम स्पीड एंड डाउन स्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट इज 10 एंड 14 किलोमीटर पर आवर रेस्पेक्टिवली एंड बोट ट्रेवल 40 एंड 6 आवर्स रेस्पेक्टिवली इफ द डिफरेंस बिटवीन द डिस्टेंस ट्रेवल इज 44 किलोमीटर फाइंड। ये बहुत ईजी है। एन आर्टिकल वॉज मार्कअप बाय 50% एंड अलाउड रुपीज़ फिफ्टी डिस्काउंट ऑन इट एंड स्टिल गेन्स, मतलब उसको प्रॉफिट हो रहा है कितना, 50 रुपये का, देन फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल। तो ये थे मेरे पास टोटल 7 अर्थमेटिक के क्वेश्चन, है ना। बाकी जो क्वेश्चन है वो अभी मेरे पास है नहीं, ठीक है, अभी मैं बाकी स्टूडेंट से पूछूंगा, अगर वो मिल जाएगा तो वो मैं आप लोग को नेक्स्ट शिफ्ट का जब एनालिसिस करेंगे उसमें मैं आप लोगों को दे दूंगा। क्लियर हो गई इतनी सारी चीज़ें। तो ये सारे थे आपके क्वेश्चन और एनालिसिस आपके फर्स्ट शिफ्ट का आज की। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर बच्चे एग्जाम में करके आ रहे हैं। एग्जामिनर को यहाँ पर आपकी नॉलेज यहाँ पर मेरे हिसाब से इतना चेक नहीं कर रहा है जितनी कि आपकी स्पीड चेक कर रहा है। क्लियर हो गया। मतलब इसका मतलब, कहने का मतलब मेरा ये है कि आपके यहाँ पर उसको पता है कि यहाँ पर बच्चे पढ़ पढ़ पढ़ा के तो आ ही रहे हैं, लेकिन यहाँ पर उनकी स्पीड है या नहीं है बस वो चेक कर रहा है, क्योंकि वो इतना इजी क्वेश्चंस दे रहा है कि वो आपको सिर्फ ये देखना चाह रहा है कि क्या ये बच्चा 45 मिनट में 80 से 80 क्वेश्चन कर सकता है कि नहीं, ईजी वाले, समझ रहे हो, क्या बच्चा ईजी क्वेश्चन 45 मिनट में 80 कर पा रहा है या नहीं। क्लियर। सिर्फ वो आपकी स्पीड चेक कर रहा है और कुछ भी नहीं। क्लियर। फर्स्ट शिफ्ट का पेपर देख के तो यही लग रहा है कि वो आपकी सिर्फ और सिर्फ स्पीड चेक करना चाह रहा है। क्लियर हो गया। चलो तो ये थी हमारी फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस। सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस बिल्कुल मैं अभी आपको नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगा। क्लियर। अच्छा, अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना। और जितने भी अभी हमारे आने वाले एग्जाम्स हैं उसकी अभी हम लोग यहाँ पे प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाले हैं 3 से 4 दिन में। क्लियर। तो सभी लोग सब्सक्राइब कर लो और शेयर भी कर लो। चलो, थैंक यू सो मच।